बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी जो है मेरा बेटा टॉपिक आपके जो है वो स्टैंडर्ड कास्टिंग के बारे में, स्टैंडर्ड कास्टिंग जिसे आप वेरिएंस एनालिसिस नॉर्मली कहते रहते हैं, ये स्टैंडर्ड कास्टिंग होता है मेजरमेंट ऑफ एस्टीमेटेड प्रॉफिट पर यूनिट, यानी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जो चीज भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपका कास्ट यूनिट है, फॉर एग्जांपल शर्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेजरमेंट ऑफ एस्टीमेटेड प्रॉफिट पर शर्ट। अगर आप बेटा चेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर चेयर। स्टैंडर्ड कास्टिंग जो है ये स्टैंडर्ड, ये मेजरेबल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? मेजरेबल, जिसे हम मेजर कर सकते हो। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, यानी जिसे प्राइस कहते हैं आप, कॉस्ट कहते हैं आप, रेट कहते हैं आप, या ये क्वांटिटी में भी हो सकता है, यानी नॉन फाइनेंशियल, जैसे यूनिट आप कहते हैं, लीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, या आवर्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर, मतलब किसी भी फॉर्म में। स्टैंडर्ड जो है इसका पर्पस क्या होता है? स्टैंडर्ड कास्टिंग का पर्पस, यानी व्हाई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं? एक इसका पर्पस होता है बेटा स्टॉक वैल्यूएशन। देखें, ये जो आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें जो आप मेथड नहीं पढ़ते स्टॉक इशू के, फाइफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या एबको होता है वेटेड एवरेज का, तो वहीं पे उन स्टैंडर्ड के, उन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर स्टैंडर्ड कास्टिंग भी अलाउ होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, डेफिनेटली वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, स्टॉक की वैल्यूएशन आप स्टैंडर्ड कास्टिंग मेथड से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ प्रोडक्ट पे। सेकंड इसका पर्पज होता है कंट्रोल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल द एक्टिविटी, एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर, मैनेजर की एक्टिविटीज को, उनके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। देखें, एक कंट्रोल की दो किस्में होती हैं, ये जहन में रखा करें, एग्जामिनर इसे चेक भी कर सकता है। एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होते हैं और एक फीड बैक कंट्रोल होते हैं। जो तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होते हैं, ये बिफोर एक्शन लिए जाते हैं, यानी एक्चुअल रिजल्ट से पहले ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होते हैं बिफोर एक्शन, और आफ्टर एक्शन यानी एक्चुअल रिजल्ट जब प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद जो कंट्रोल होता है वो फीडबैक है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टैंडर्ड बनाया, प्रोड्यूस किया कि आप कहते हैं जो 2 kg मटेरियल जो है, क्योंकि ये पर यूनिट होता है, पर यूनिट लगना चाहिए। अब जब मटेरियल के यूजेज का रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मैनेजर मटेरियल यूज करे, तो वो इसे एज अ टारगेट ले, वो इसको फॉलो करे कि 2 kg से ज्यादा मटेरियल यूज ना हो, तो ये फीड फॉरवर्ड है कि एक्शन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड परफॉर्म करेगा। लेकिन फीडबैक होता है जब वेरिएंस कैलकुलेट होते, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस, वेरिएंस डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल। आपने 2 kg एस्टीमेट लगाया था, 2.2 kg मटेरियल यूज हुआ, तो 0.2 kg जो एक्स्ट्रा यूज हुआ
उसकी रीजन आइडेंटिफाई करना क्यों हुआ ताकि नेक्स्ट टाइम उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक्चुअल रिजल्ट क्योंकि प्रोड्यूस हुआ तो वेरिएंस निकलता है, तो ये फिर फीडबैक होता है, फीड फॉरवर्ड नहीं होता। फिर ये बात आपने याद रखनी है कि टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की टाइप्स क्या हैं। एक होता आइडियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं विच कैन बी डन अंडर परफेक्ट सिचुएशन, और आपको पता लाइफ में कभी परफेक्ट सिचुएशन नहीं आती। दूसरे लफ्जों में ये इम्पॉसिबल टू अचीव होता है, इसमें नो मोटिवेशन, एम्प्लॉई को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता, मोटिवेशन ही नहीं आती, उन्हें पता ये हो ही नहीं सकता। आइडियल परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट सिचुएशन बेटा कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल बात है नहीं है। आइडियल स्टैंडर्ड और इसमें नो अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉसेस, कि नॉर्मल जो आपके लॉसेस भी होने हैं उसका भी आप अलाउंस इसमें नहीं छोड़ते। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं जी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। ये प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड इसे अटेनेबल कहते हैं, अटेनेबल स्टैंडर्ड भी कहते हैं इसे, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, यानी विच कैन बी डन, जो हो सकता है। क्योंकि स्टैंडर्ड एक टारगेट भी आपके लिए होता है, जो पॉसिबल है। ये विद अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल लॉस का अलाउंस इसमें रखा जाता है। जैसे देखे ना, अगर आपको 2 kg मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिक्वायर्ड 2 kg है, और आपको लगता है कि वेस्टेज जो है नॉर्मल वेस्टेज, वेस्ट नॉर्मल वेस्टेज कभी कंट्रोलेबल नहीं होती, वो 10% है। तो देखो 100% में से बेटा 10% तो वेस्ट हो जाना, रिमेनिंग आपके पास रह जाना 90%। इसका मतलब अगर 2 kg रिक्वायर्ड है तो वो 90% के लिए इक्वल है, आपको उसके लिए 100% लगाना पड़ेगा, यानी 10% वेस्टेज भी छोड़नी पड़ेगी। इसे ग्रास अप मेथड कहते हैं। जैसे 2 kg के लिए आपको 100/90 2.2 kg लगाने पड़ेंगे ताकि 2.2 kg में से जो है वेस्ट करने के बाद 2 kg यूज हो जाए। अगर 5% लॉस है तो 200/95 कर लें, अगर 2% लॉस है तो 100/98 कर लें। ये नॉर्मल अलाउंस जिसमें छोड़ा जाता है वो हमारे प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड होते हैं, और ये हाई मोटिवेटेड होते हैं। क्या होते हैं? हाईली मोटिवेटेड, इसमें सबका इंटरेस्ट होता है, उन्हें पता ही अचीव किया जा सकता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड बनते ही इसके अंदर है। फिर एक स्टैंडर्ड होता है जिसे आप कहते हैं जी वो बेसिक स्टैंडर्ड होता है। बेसिक स्टैंडर्ड को कहते हैं लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड, यानी वन टाइम बना लिया विदाउट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कह लें, अपडेशन कह लें, कि वन टाइम बना लिया उसी को कैरी करते रहे। जैसे जो स्टैंडर्ड आपने 2011 को बनाया था उसे ही आप 2018 में यूज कर रहे हैं अभी तक, तो ये बेसिक स्टैंडर्ड होता है। ये बेटा क्वांटिटी एक चीज होती है,
जैसे आर्स, यूनिट, लीटर, मीटर, और एक प्राइस होती है, प्राइस, कास्ट, रेट वगैरह, क्वांटिटी है, यूनिट है या आर्स हैं। तो बेटा क्वांटिटी के बेसिक स्टैंडर्ड बन सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी की यूटिलाइजेशन स्टेबल हो सकती है, लेकिन प्राइस, कास्ट, बेटा इसमें तो इन्फ्लेशन एटलीस्ट तो होना ही होना है, तो इसके स्टैंडर्ड ये प्रोड्यूस नहीं हो सकते। बेसिक स्टैंडर्ड जस्ट फॉर क्वांटिटी हो सकता। और फिर एक होता है जिसे हम कहते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड। एक्चुअल स्टैंडर्ड हम कहते हैं जी लास्ट ईयर रिजल्ट यूज एज स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, के जो कुछ 2018 में हुआ, 2018 में जो एक्चुअल हुआ यानी एक्चुअल मटेरियल जितना यूज हुआ 2019 का, हमने उसको स्टैंडर्ड बना लिया कि एस्टिमेटेड इतना ही होगा। तो बेटा जो कुछ हुआ उसी के मुताबिक चलेंगे तो नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट कभी नहीं आएगी। तो इसलिए इस तरह के स्टैंडर्ड भी यूटिलाइज नहीं किए जाते। सबसे जो बेहतर है वो आपका प्रैक्टिकल या अटेनेबल स्टैंडर्ड होता है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं। स्टैंडर्ड जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड कास्ट शीट बनती होती है, कास्ट शीट, जिसमें पर यूनिट कास्ट का हिसाब रखा जाता है यानी प्रॉफिट बल्कि का रखा जाता है। जैसे सेल पर यूनिट $100 की होगी, मटेरियल पर यूनिट जो है वो 5 kg लगेगा, 5 kg पर यूनिट एट द रेट $3 पर केजी। अब 5 kg अगर पर यूनिट लगेगा, 3 पर केजी आएगा, तो ये टोटल $15 का लगेगा। लेबर है, सपोज आप कहते हैं जी 4 hours लगेगी, एट द रेट 4 पर आर, 4 hours पर यूनिट लगेगी, 4 पर आर के हिसाब से तो 16 की लग गई। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर हेड, ये भी इन्हीं आर पे, लेबर आर पे सपोज जा रहे, एट द रेट 3 पर आर होंगे, तो ये 12 पर आर। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपको पता अब्सॉर्ब किए जाते हैं, सपोज इनको भी अब्सॉर्ब लेबर आर पे किया तो 4 hours एट द रेट 2 पर आर इनका रेट है 8। ये 48 का आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। अब ये स्टैंडर्ड में देखिए क्वांटिटीज भी आ रही हैं और इसमें प्राइस या रेट भी आ रहे हैं, इसमें कास्ट भी आ रही है पर यूनिट। ये पर यूनिट, अगर पर यूनिट में लेंगे तो स्टैंडर्ड है, अगर टोटल में लेंगे तो उसे बजट कहते हैं, उसे स्टैंडर्ड नहीं कहते। बजट होता है एस्टीमेट फॉर पीरियड, जैसे मंथ का, क्वार्टर का, ईयर का, ईयर का एस्टीमेट बजट हो जाता है। जबकि पर यूनिट, पर लीटर, पर केजी, पर मीटर, पर आर, ये आपका स्टैंडर्ड होता है। ये याद रखिएगा डिफरेंस, एग्जामिनर फोकस होता है इन बातों पे। और ये जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस होता है इफेक्ट ऑन कास्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस आर क्वांटिटी। देखिए ना, वेरियंस डिफरेंस है, आपको पता स्टैंडर्ड और एक्चुअल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, वेरियंस। अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस आपका वेरियंस है,
तो आप अच्छी तरह इस बात को बेटा जानते हैं कि स्टैंडर्ड, मैंने क्या कहा, इफेक्ट ऑन कास्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब देखो ना, मटेरियल ले लेते हैं, सपोज मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या था कि 5 kg मटेरियल लगेगा एट द रेट $3 पर केजी, टोटल $15 का, ये तो स्टैंडर्ड है। और एक्चुअल अगर 5 kg की बजाय 6 kg मटेरियल यूज होगा, 5 kg की बजाय 6 kg, तो क्या चेंज होगी कास्ट, क्योंकि इसने अफेक्ट किसको करना, कास्ट को, क्योंकि एट द रेट प्राइस से इसने मल्टीप्लाई, जैसे क्वांटिटी में चेंज आएगा तब भी कास्ट चेंज होगी, 3 की बजाय यहाँ पे 4 पर केजी प्राइस होगी तब भी चेंज कास्ट ही होगी, प्राइस चेंज होगी, इफेक्ट किस पे जाएगा, कास्ट पे, क्वांटिटी चेंज, सॉरी क्वांटिटी चेंज होगी, इफेक्ट किस पे जाएगा, कास्ट पे, प्राइस चेंज होगी, इफेक्ट किस पे जाएगा, कास्ट पे। हम देखते हैं प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस के चेंज से कास्ट पे क्या इफेक्ट आता है, इसे वेरियंस कहते हैं। जैसे मटेरियल, इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ मटेरियल की बात करें, मटेरियल की जो कास्ट है तो उसने चेंज हो जाना ड्यू टू प्राइस, कि प्राइस अगर मटेरियल की चेंज हुई, या क्वांटिटी, क्वांटिटी को यूसेज कहते हैं। कि प्राइस चेंज होगी कास्ट पे, क्वांटिटी चेंज होगी कास्ट पे इफेक्ट, तो एक प्राइस का वेरियंस प्राइस चेंज और एक क्वांटिटी का वेरियंस यूसेज वेरियंस, ये दोनों वेरियंस, दोनों इफेक्ट किस पे कर रहे हैं, कास्ट पे। तो बेटा इन दोनों वेरियंस का अगर टोटल लेंगे तो वो कास्ट वेरियंस के बराबर चला जाएगा, यानी इन्हीं दोनों वेरियंस कैलकुलेट करके वो कास्ट वेरियंस होता। जितनी वेरिएबल चीजें होती हैं, जैसे लेबर भी वेरिएबल है, तो लेबर कास्ट वेरियंस, कास्ट में फर्क आता है ड्यू टू लेबर में प्राइस की बजाय कह देते हैं रेट, रेट में फर्क होगा तब भी कास्ट इफेक्ट होगी, और लेबर की क्वांटिटी को, आर्स कम या ज्यादा को एफिशिएंसी कह देते हैं, आर कम या ज्यादा होंगे तो तब भी इफेक्ट किस पे होगा, कास्ट पे। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर हेड, ये भी वेरिएबल चीज है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट चेंज होगा, इसे एक्सपेंडिचर वेरियंस कह देते हैं, ट्रेडिशनल नेम है बेटा ये इनके, कि रेट चेंज होगा तो कास्ट चेंज हो जाएगी। और अगर इसके आर चेंज होंगे, क्वांटिटी एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, आर या कम या ज्यादा फिर भी कास्ट चेंज हो, कि इन दोनों का, ये सब वेरियंस होते हैं और ये मेन, अगर इन दोनों वेरियंस का टोटल करोगे मेन वेरियंस के बराबर चला जाएगा। अगर मेन को ले लेते हैं तो सब नहीं लेते हैं, अगर सब वेरियंस लेते हैं तो फिर मेन नहीं लेते, ये बात ख्याल रखते हैं। इस तरह बेटा सेल आपकी, वो भी वेरिएबल चीज है, सेल वैल्यू वेरियंस, सेल में फर्क किस वजह से आएगा, एक तो प्राइस की वजह से, उसे सेल प्राइस वेरियंस कहते हैं, एक उसकी क्वांटिटी की वजह से, उसे वॉल्यूम प्रॉफिट वेरियंस कहते हैं। तो क्वांटिटी के चेंज से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आता है, हर चीज के, वेरिएबल चीजों के, फिक्स के नहीं, सिर्फ मैं फोकस हूं इस वक्त वेरिएबल पे, वेरिएबल चीज, मटेरियल वेरिएबल है, उसके कितने वेरियंस है, 2 वेरियंस, क्योंकि हमने सब कंसीडर करने होते हैं, मेन वेरियंस को नहीं लेना होता, 2 वेरियंस, 2 लेबर के, 2 वेरिएबल ओवरहेड के, और इस तरह 2 सेल के।
क्योंकि ये इंडिविजुअल वेरिएंस का टोटल करेंगे तो वो मेन वेरिएंस के बराबर, इंडिविजुअल का टोटल मेन के बराबर। और इनके फार्मूले बेटा बहुत आसान होते हैं, क्योंकि हमने इफेक्ट देखना कास्ट पे। तो ये वेरिएंस के कई बच्चे कहते हैं जी फार्मूले बेटा ये कॉमन सेंस होते हैं, याद करने का तल्लक नहीं होता। जैसे अगर हम मटेरियल के वेरिएंस निकाल रहे हैं, मटेरियल के दो ही तो वेरिएंस है, एक प्राइस और एक उसका यूजेज क्वांटिटी। एक मर्तबा आपने प्राइस में डिफरेंस देखना और दूसरी मर्तबा आपने क्वांटिटी में। अब देखें ना, मटेरियल कास्ट कैलकुलेट करते हैं तो एक होती है एक्चुअल क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई किया एक्चुअल प्राइस से। एक होगी एक्चुअल क्वांटिटी, इस मर्तबा आपने मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्राइस से। इसमें अगर कास्ट में फर्क आता है तो क्वांटिटी तो दोनों में सेम है, फर्क किसकी वजह से आ रहा है? इसमें एक्चुअल प्राइस यूटिलाइज हुई, इसमें एस्टिमेटेड। एक्चुअल और एस्टिमेटेड का फर्क डिफरेंस होता है, तो ये प्राइस चेंज हुई है, तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस के कास्ट पे इफेक्ट हुआ ड्यू टू प्राइस। दूसरी मर्तबा यूसेज लेना है तो ये नीचे वाली लाइन को दोबारा लिखें, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। अब क्योंकि आपने क्वांटिटी का फर्क लेना तो एक एक्चुअल क्वांटिटी, दूसरी कौन सी क्वांटिटी होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस को आपने स्टे रखना है क्योंकि ये कास्ट पे डिफरेंस ड्यू टू क्वांटिटी है। प्राइस सेम, क्वांटिटी एक जगह एक्चुअल एक जगह स्टैंडर्ड। और ये यूसेज वेरियंस होता है, क्वांटिटी वेरियंस भी इसे आप कह सकते हैं कि ये मटीरियल का यूसेज वेरियंस। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये याद रखिएगा, इधर क्वांटिटी जो होती है वो टोटल आती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल करना हो, स्टैंडर्ड तो पर यूनिट होती है, टोटल करना हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमेशा एक्चुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट पे ही लगती है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाती है। इस तरह एक्चुअल क्वांटिटी भी टोटल लेनी है, ठीक। इस तरह लेबर सेम फार्मूला है, यही लेबर में क्वांटिटी की जगह आर यूज हो जाता है, एक्चुअल आर, एक्चुअल आर। एक एक्चुअल प्राइस है लेबर की, उसे रेट कहते हैं, और एक स्टैंडर्ड प्राइस है, उसे रेट कहते हैं। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस आता है तो आर तो सेम है, फर्क किस वजह से आया? रेट की वजह से, तो इसे लेबर रेट वेरियंस। और इसी तरह सेकंड लाइन को दोबारा लिखो, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट। अब हमने क्वांटिटी का फर्क लेना तो आर में फर्क लेंगे, एक्चुअल आर है तो ये स्टैंडर्ड आर आ गए, रेट सेम लिया। अब अगर कास्ट में फर्क आता है तो वो किस वजह से आएगा? आर कम या ज्यादा, उसे एफिशिएंसी वेरियंस कहते हैं, लेबर एफिशिएंसी। इस तरह अगर आप वेरिएबल ओवरहेड लेना चाहते हैं डिफरेंस, तो जो लेबर का फार्मूला है एज इट इज, क्योंकि ये भी आर बेसिस पे है, वो भी आर बेसिस पे है, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, वेरिएबल प्रोडक्शन, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट और एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट। रेट के डिफरेंस को वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं, ट्रेडिशनल नेम है बेटा इसका। और अगर आर में लिखें, ये सेकंड लाइन मैंने कहा था रिपीट करें, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, इसे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एफी एफिशिएंसी, ये ओवरहेड एफिशिएंसी। और इसी तरह अगर आपने सेल के लेने हैं, सेल के वेरिएंस, एक एक्चुअल क्वांटिटी सेल की, एक्चुअल प्राइस,
सेम फार्मूला नहीं बेटा चेंज हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस में डिफरेंस सेल प्राइस वेरियंस, और दूसरी मर्तबा क्वांटिटी चेंज करनी है, सेकंड लाइन को रिपीट करें एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस की जगह यहां पे प्रॉफिट कर देना, अगर मार्जिनल कास्टिंग हो तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कर देना, अब्सॉर्प्शन में प्रॉफिट का लफ्ज होता है, मार्जिनल में कंट्रीब्यूशन का, एक्चुअल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी स्टैंडर्ड नहीं होती, सेल में बजटेड क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो पर यूनिट है, बजटेड टोटल क्वांटिटी को बजटेड कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, मार्जिनल है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, इसे सेल वॉल्यूम प्रॉफिट या सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, अगर अब्सॉर्प्शन हो तो प्रॉफिट, अगर मार्जिनल हो तो कंट्रीब्यूशन वेरियंस कहते हैं, ये वेरिएबल के वेरियंस होते हैं, और ये बात आपने याद रखनी है कि मटेरियल की प्राइस का तल्लक, जब परचेज करते हैं तो प्राइस पे करते हैं ना, तो प्राइस का तल्लक परचेज क्वांटिटी से होता है, यानी यहां पे कौन सी क्वांटिटी है परचेज, लेकिन आपको पता मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, तो यूज क्वांटिटी चेंज हो सकती है, तो यूसेज वेरियंस में यूज्ड क्वांटिटी आएगी, इधर परचेज अगर डिफरेंट दी है, नॉर्मल एग्जामिनर सेम देगा, अगर परचेज क्वांटिटी डिफरेंट यूज क्वांटिटी डिफरेंट, तो यूसेज में यूज्ड प्राइस में परचेज क्वांटिटी, इस तरह लेबर में एक होते पेड आर, जिसकी आपने लेबर को पेमेंट की है, पेड आर पेड आर, क्योंकि रेट का तल्लक पेमेंट से है, और यहां पे एफिशिएंसी का तल्लक वर्क आर से होता है, क्योंकि आइडल आर दरमियान में हो सकते हैं, तो पेड और वर्क आर अगर डिफरेंट हो तो रेट वेरिएंस में पेड और नीचे वर्क, जबकि वेरिएबल ओवरहेड में लेने ही वर्क है, क्योंकि ओवरहेड आर वर्क होगा तो ओवरहेड होंगे, वर्कड आर लेबर के, तो ये वेरिएबल चीजों के बेटा वेरिएंस है, फिक्स के अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि मार्जिनल कास्टिंग भी है, अब्सॉर्प्शन कास्टिंग भी है, ये फार्मूले हैं, फिर लोग कहते हैं कि इसका फेवरेबल एडवर्स देखना है, तो प्राइस वेरियंस है, तो फर्क किस पे देखना, प्राइस पे, एस्टिमेटेड प्राइस के हिसाब से कास्ट क्या थी, एक्चुअल प्राइस के हिसाब से कास्ट अगर ज्यादा, यानी जैसे यहाँ पे 1000 है, एक्चुअल कास्ट आपकी प्राइस के हिसाब से ज्यादा लगी है, तो ये एडवर्स है ना, जहर आपके नुकसान में है, यानी इस इधर से यूसेज वेरियंस, तो क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से अगर 900 लगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से आपका 1200 लगना चाहिए था, तो 300 का डिफरेंस आया, अब एस्टिमेटेड क्वांटिटी की के हिसाब से कास्ट ज्यादा है, एक्चुअल के हिसाब से कम है, तो ये फेवरेबल है, आप इस तरह कर लें, आप अपने रट्टे के लिए, वैसे प्राइस को और क्वांटिटी को देखें, प्राइस को देखें और क्वांटिटी को देखें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जहां पर नेगेटिव आए आंसर, जैसे 1200 ये पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव एडवर्स है, बस रट्टे के लिए है ना, पॉजिटिव को एडवर्स काउंट करें, हालांकि पॉजिटिव चीज फेवरेबल होती है, लेकिन ये 1200 900 ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आपकी फेवरेबल होगी, ये रट्टे के लिए है कि नेगेटिव आए तो फेवरेबल कर दें, पॉजिटिव आए तो एडवर्स कर दें, लेकिन किन वेरियंस में, जो कास्ट के हैं, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कास्ट, हाँ जब आपके सेल आएगा तो सेल इनकम होती है, तो वहां पे पॉजिटिव आएगा तो वो फेवरेबल हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो वो एडवर्स, उल्ट कर देंगे, इनकम के वेरियंस कास्ट की निस्बत बेटा रिवर्स होते। अभी हम इतनी बात करेंगे, इसको अप्लाई भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बीपीपी की किट यूज करूंगा, याद रखिएगा बीपीपी किट मोस्ट परफेक्ट होती है, बीपीपी पब्लिशर सबसे अच्छा पब्लिशर होता है, उसकी किट टू द एग्जाम, एग्जाम फॉर्मेट को बिल्कुल टच करती है, बीपीपी किट आपने 3 टाइम की हो, फेलियर का क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।